सो फाइनली गाइस कल की 2898 एडी का यहाँ पर ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जी हाँ, मेरा रिव्यू आप तक बहुत लेट पहुँच रहा है, आई नो, बिकॉज मैं बाहर था, दैट्स वाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट यार देखो, अपने ओपिनियंस बताना, अपने थॉट्स शेयर करना, अपना खुद का रिव्यू करना यार, ये तो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो भले ही लेट सही, बट मैं आ गया हूँ कल की के ट्रेलर रिव्यू के साथ। तो आज की इस रिव्यू वीडियो को बहुत ही शॉर्ट और सिंपल रखने वाले हैं हम लोग, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। वीडियो को भी सर लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, एक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या जाता है तुम्हारा, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। टिल देन, बिना टाइम का आज की इस अमेजिंग सी वीडियो को हम लोग यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट इट। सो नाग अश्विन की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म कल की 2898 AD, जो कि हमारे एक फ्यूचर डिस्टोपियन वर्ल्ड को दिखाती, कैसा लगा इसका ट्रेलर, कैसा है इसका ट्रेलर? एक ही वर्ड में बोलूँ यार, तो यस, द ट्रेलर लुक्स प्रॉमिसिंग, यानी ट्रेलर है प्रॉमिसिंग भाई, ट्रेलर लुक्स ब्यूटीफुल, आई मीन टू ब्यूटीफुल। मतलब देखो ऑनेस्टली, सबसे पहले मैं इसके VFX एंड जो चीज़ हमें दिखाई गई है, बिकॉज इसका बजट है 600 करोड़, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। कुछ लोग 500 करोड़ में अपने बजट में फिल्म बनाते हैं, फिर उनके ट्रेलर टीजर्स फ्लॉप होने पर उस पर 150-200 करोड़ और फूकते हैं, तब भी ये चीज़ नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 600 करोड़ में जो यहाँ पर कि हाँ भाई, यही वो चीज़ है जिस चीज़ को हम सभी इंडियन फैंस, इंडियन मूवी फैंस देखने का इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, जो ट्रेलर है, अगर उसकी बात की जाए VFX की, तो भाई साहब VFX में आप, VFX CGI की अगर बात की जाए, तो आप एक भी गलती नहीं निकाल पाओगे। इट्स जस्ट बिकॉज इसका VFX जो पूरा पार्ट है वो इतने अच्छे से संवारा गया, इतने अच्छे से मैनेज किया गया है कि यार सच्ची मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्टोपियन वर्ल्ड लगता है। जो जो यहाँ पर आप देखोगे बैकग्राउंड्स चल रहे हैं फिल्म के, ठीक है, हर एक चीज़, हर एक सीक्वेंस जो दिखता है वो आपको फुल रियल फील होता है। एंड कहीं पर भी आपको ये नहीं लगता कि हाँ भाई यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का काम हुआ है, या फिर भाई यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर VFX में वो गलती है, अच्छे से नहीं दिख रहा, अच्छे से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ परफेक्ट नज़र आई है ट्रेलर में, जैसे कि टीजर में आई थी वैसी ट्रेलर में भी आई है। देखो अब यही चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं, पूरी मूवी भी ऐसे ही हो, ठीक है। वहीं पर अगर बात की जाए बाकी चीज़ों की यार, तो देखो फिल्म की स्टोरी की बात की जाए, तो जितना मुझे पता चला है स्टोरी अनुसार देखा जाए, तो ये कल की जो थीम, जो मूवी का थीम दिखाया गया है, उसमें ये है कि यहाँ पर कल की जी जो है उनका जन्म होने वाला है, ठीक है। तो जन्म होने वाला है, तो वो जो रहेगा कल की, वो दीपिका पादुकोण के पेट में रहेगा उसको। और उसके बाद कुछ लोग यहाँ पर एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट देंगे अपने प्रभास को, जो कि प्रभास को कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि वो यहाँ पर इस बच्चे को मार रहे हैं, ये दीपिका पादुकोण के उस बच्चे को मार रहे हैं जो कि रहेगा कल की, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर ये सब आई मीन टू से कि षड्यंत्र रचा जाएगा, फिर वहाँ पर अपने प्रभास मारने जाएंगे यू नो कल्की को, तो ऐसा दिखाया जाएगा। एंड कल्की का जो, कल्की को प्रोटेक्ट करेंगे अपने नन अदर दैन अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अश्वत्थामा का जो रोल कर रहे हैं, आप उनकी हाइट, आप उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो ट्रेलर में। एंड भाई मैं सच बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन का काम इस ट्रेलर में जितना दिखा ना, इट्स टोटली फैंटास्टिक। यहाँ तक कि हर किसी एक्टर एंड एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम ट्रेलर में दिखा है। शायद इस ट्रेलर में मुझे दिशा पटानी में देखी, चल भूल जाओ उसे, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए तो सभी का काम अच्छा दिखा। वहीं पर एंड में बात करें तो एक जगह यहाँ पर हमें फाइनली कमल हसन को भी दिखाया गया। कमल हसन का जो लुक है, इट्स टोटली ऑसम यार, मज़ा आ गया देख के। बाकी अगर बात की जाए तो हर एक एक्टर और एक्ट्रेसेस ने बहुत अच्छे यहाँ पर ट्रेलर में अपना वर्क दिखाया है। हर किसी की एक्टिंग अच्छी लगती है, यहाँ तक कि VFX से लेकर हर एक पार्ट, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर बात की जाए तो सबसे बड़ा थैंक्स जाता है वो नन अदर देन इस फिल्म के डायरेक्टर को जाता है, नागश्विन। तो यार मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कल की 2898 AD का यहाँ पर ट्रेलर एकदम परफेक्ट है। एंड यप, फिल्म से बहुत ज़्यादा होप्स लगाई जा सकती है, मेरी तो लग चुकी है। बाकी आप अपने बताइए कि आप कितनी होप्स इस फिल्म से लगा रहे हैं। बाकी जब मूवी आएगी तब देखेंगे, रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए थी, अपने ओपिनियंस रिव्यू सब कुछ शेयर करो कमेंट सेक्शन में। टिल देन मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।